इससे पहले मैं आज की वीडियो शुरू करूं, मेरा तुमसे एक सवाल है, जेन्युइनली दिल पे हाथ रख के जवाब देना। तुम्हें पसंद नहीं आता ना क्वालिटी? बिल्कुल पसंद नहीं आता ना। मतलब अगर मैं वही घिसा पिटा न्यूज़ करता रहूं तो तुम साले कंप्लेन करते रहते कि भाई कुछ नया क्यों नहीं करता, कुछ नया क्यों नहीं करता। कल मैंने कुछ नया किया, 10,000 व्यू भी नहीं आए। अबे चाहते क्यों मुझसे? जिंदगी बर्बाद हो जाएगी सालों तुम्हारी। बट क्योंकि हमने कल कुछ नया किया था और आज भी मेरा कंप्यूटर नहीं आया और पता नहीं कब आएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कहीं से भी नहीं हो पा रही और मेरे हाथ बंधे पड़े हैं, तो मैंने कहा कल तुम्हें वियर्ड बताया तो आज और क्या घटिया कर सकते हैं तुम्हें पकाने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें क्रीपीएस्ट मोमेंट और भूतिया बातें, और जब मैं भूतिया बोल रहा हूँ तो भूतिया ही मीनिंग है इसका, उसके बारे में बात की जाए। कल तुमने मेरा दिन खराब किया, मैं तुम्हारी रात खराब करने के लिए आया हूँ। ये एक्चुअली एक यूट्यूबर की क्लिप है जहाँ पे वो अपने बच्चों को ऐसी फिल्म कर रही थी, तो बच्चे बैठ के दोनों खाना खा रहे थे आराम से ना मस्ती से, तो उनमें से एक बच्चे को ना किचन साइड में कुछ दिखता है और उसकी फटके फ्लावर हो जाती है और वो अपनी माँ को कह रही है देखो वहाँ पे कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। और जो दूसरी बच्ची ना हरामन बच्ची, वो उसका मजाक उड़ा रही होती, अरे चल मैं फट गई इसके, डर गई। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने पहली बार ये क्लिप देखी थी, मेरे को लगा ये बच्ची में भूत तो नहीं घुसा हुआ, वरना ऐसे कौन हंसता है बे। I just turned off the lights, that's all. What was that? The fish? Oh, the fish died. What? Angel's sleeping already. It's raining, girls. No. Nani, are you almost done eating? Look at. पहले तो सब हंसी मजाक में चल रहा, बस एक की फटी हुई थी, तो इतनी फट जाती है कि वो बाद में मम्मी के पास पक जाती है। और फिर जो दूसरी मजे ले रही थी ना हरामन बच्ची, वो पलट के देखती है, फिर देखो क्या होता है। Look at me. अब इन दोनों को किस चीज को देख के डर लग रहा था ये तो इस क्लिप में नहीं पता, बट तुम्हें क्या लगता है, भूत था या कुछ ऐसा था जो हम नहीं देख पाए बट बच्चे देख पा रहे थे? बाकी मेरे को जो लग रहा है ना, क्योंकि ये फॉरेन है, फॉरेन वाले पागल होते हैं, इंडिया वाला हिसाब नहीं है ना, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन कम है, यहाँ पे ज्यादा है, तो यहाँ पे ऐसे ही देख लेते हैं आजू बाजू के घर में क्या चल रहा है। वो बहुत क्रीपी लोग होते हैं, वो घुसते हैं दूसरे घर में आज क्या हो रहा है देखने के लिए। मतलब एक दूसरी क्लिप देख रहा था मैं, एक बंदा रैंडम से कपड़े पहन के क्रीपी से स्माइल लेके दूसरे बंदे के घर को खोलने की कोशिश कर रहा था। और बाय गॉड इस क्लिप में तुम्हें भूत दिखे ना दिखे, इस बंदी की शक्ल देख के मेरी हवा खराब होगी। अबे अपना घर जा ना, दूसरे के घर में ऐसा कौन स्माइल लेके आता है? हाँ, ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान स्माइल लेके। अबे चुप हरामी। अबे एक तो इनके फेस्टिवल भी ऐसे होता है ना हॉलोवीन टाइप का, कुछ भी पहन के घूमते रहते हैं और किसी को डाउट भी नहीं होता कि हाँ ये पागल है, ये मर्डरर कर सकता है, ये साइकोपैथ है, सीरियल किलर हो सकता है, क्योंकि उनका तो फेस्टिवल ही है। मतलब अगर तुम एक रात सोने जाओ और अगले दिन तुम्हारी वीडियो रिकॉर्डिंग में जो तुम्हारा सिक्योरिटी कैमरा है उसकी रिकॉर्डिंग में तुम्हें ये जोकर अंकल दिखे कि रात में ये जोकर अंकल तुम्हारे गेट के बाहर घूम रहे थे, भाई रात छोड़ो तुम्हारा दिन भी खराब हो जाएगा बे। तुम खुद पलट के सोच रहे होगे यार, सोचा था कोई लड़की वड़की आएगी, ये क्या अंकल दिखा रहे हैं आधे टकले वाले, इससे अच्छा तो ज्ञान ही आ जाता। बट लड़की के भी मत सोचो, वहां की लड़कियां भी पागल होती हैं, वरना अगले दिन तुम सुबह उठो और तुम्हें ये देखने को मिल रहा है, अबे दिल से चाचा निकल के बोल देंगे बे। बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। बट ये फिर भी इतना स्कैरी नहीं है, क्योंकि ये एक्सप्लेन हो सकता है कि हाँ ये मेंटली अनस्टेबल लोग हैं और ये करते होंगे हरकतें, ये सब एक्सप्लेनेबल है। अपनी अगली क्लिप है ना, यहाँ पे ये एयरपोर्ट की क्लिप जहाँ पे जो वो होता है ना अटैच करने वाला, जहाँ फिर लोग एंट्री करते हैं प्लेन में, तो वहाँ पे लोग निकलते हुए दिख रहे हैं प्लेन से। बस इकलौती दिक्कत ये है कि वहाँ पे कोई प्लेन ही नहीं, तो ये लोग आ कहाँ से रहे? कोई
कोई प्लेन अटैच नहीं है और तुम यहाँ पे लोगों को निकलते हुए देख रहे हो, तो इतनी सी जगह में इतने सारे लोग क्या छुपके बैठे थे वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए या हमें डराने के लिए रिकॉर्ड कर रहे थे तुम? अबे सोने का टाइम है यार, ये कौन दिखाता मुझे? मैं खुद देख रहा था, पता नहीं क्यों तुम्हें दिखाने आ गया हूं मैं। इसमें भले ही तुम्हें डरने लगे और मैं जो भी मार सकता हूं, पर तुम सोच रहे हो तुम किसी स्टेडियम के लिए सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हो और तुम्हारी नाइट शिफ्ट है और आप तुम बैठे हुए अपना चौकीदार बन के सोते हुए अपनी चेयर पे अपना काम कर रहे हो आंख बंद करके गाने सुनते हुए लेकर हम दीवाना दिल, और तभी तुम्हें सडनली आवाज आनी शुरू हो जाए जो आज तक नहीं आई। आज तक तुम नाइट शिफ्ट में आराम से सोते हुए आए हो, बट स्टेडियम में अकेले तुम ड्यूटी पर हो और सडनली आवाज आने लग जाए। और यही अपनी क्लिप है, मतलब एक बंदा नाइट ड्यूटी पे होता है, स्पेनिश बंदा है, तो उसको आवाज आती है, तो तीन बार जाके देख चुका है, अब ये चौथी बार इसको आवाज आ रही है, ये वापस चेक करने जाता है और गेट इसके सामने खुल रहा है बंद हो रहा है, खुल रहा है बंद हो रहा है, और ये रिकॉर्ड कर रहा है ताकि ये दिखा सके कि हाँ मैं झूठ नहीं बोल रहा था, रात में ये एक्चुअली हुआ है, आज से पहले कभी नहीं हुआ, कल रात हुआ है, कल रात भूत आया था स्टेडियम में। Concha de la lora, la concha de la lora. Pero como mierda puede ser que no haya nada. Ay, ya es la tercera vez. अपनी जो अगली क्लिप है ना, वहाँ पे एक कपल ने नया घर खरीदा। अभी तो मैं मालूम है भूत के बारे में बात कर रहे हैं और किसी कपल ने नया घर खरीदा तो भूतिया कहानी, फिल्मी कहानी लगेगी। बट उन्होंने घर खरीदा, कोई भूत वाली बात नहीं, कुछ नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं उस घर में, ऐसा कोई सीन नहीं है, कोई बैकग्राउंड स्टोरी नहीं है। तो उन्होंने घर खरीद लिया, उन्होंने कहा चलो रिनोवेट करते हैं, आर्किटेक्ट बुला लेते हैं और काम करवाते हैं। तो आर्किटेक्ट पहुंच गया, फिर आर्किटेक्ट को आवाज आने लग गई और वो इन्वेस्टिगेट करने लग गया। अबे तेरा काम बिल्डिंग बनाना वो करना, पुलिस क्यों बन रहा है बे, भाग यहां से। ऐसा मैं नहीं कह रहा, उस रूम के भूत ने भी बोला होगा, बट नहीं भाई के तो कीड़ा है, तो भाई कैमरा लेके शूट कर रहे थे। अब फिर देखो क्या हुआ, एनीबॉडी हियर? Hello? Hello? The heck is that? Hello? Apparently the man didn't finish work on the house under the belief that there was a ghostly or demonic presence inside. एक तो जेन्युइनली मेरे को समझ में आता, मूवी में दिखाते हैं जो भी कि आवाज आई और जो इन्वेस्टिगेट करने जाता है कि आवाज कहां से आ रही है और क्यों आ रही है, कभी जिंदा नहीं आया, तो तुम रियल लाइफ में क्यों ही कर रहे हो बे? मजाक नहीं कर, जब मैंने पहली बार ये क्लिप देखी ना, मेरे दिल से आया नवाजुद्दीन भाई, मरना तेरे को डर नहीं लगता? अबे अपनी आखिरी क्लिप देखो ना, मतलब एयरपोर्ट का सीन है, बंदे को ऐसा लगा कि प्लेन के अंदर कोई है, प्लेन के अंदर से आवाज आ रही है, तो जो सिक्योरिटी वाला था वो प्लेन के अंदर चला गया, रात के टाइम पूरा अंधेरा है, ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बस फिर देखो क्या हुआ है। Verga.
No mames. No mames. आज की वीडियो का ज्ञान समझ लो भूतिया ज्ञान, कि अगर रात में कभी आवाज आए तो पुलिस बनने की जरूरत नहीं, भागो, चप्पल उठा के भागो, जूता लगा के भागो, भागो, रुकना नहीं है। क्योंकि इसी नोट पे ज्ञानी टू बोलने का ये एपिसोड इनकम करे। आई होप तुम लोग एंजॉय किया, और अगर एंजॉय किया स्मैक द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, फॉलो मी इंस्टाग्राम, और मैं बोलता हूं तुमसे कल, तब तक के लिए पीस आउट। और आज भी मैंने हाथ उठा रखे, चलो बाय।